हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G सिस्टम में। जो हमने सुना है कि 1G क्या होता है, 2G क्या होता है, 3G, 4G, आजकल 4G सब लोग कर रहे हैं और 5G आने वाला है, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने फीचर्स कुछ लिख रखे हैं और उनकी जो डिटेल्स हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टार्ट ईयर। 1G सबसे पहले कब आया, 1970 में। 2G कब आया, 1980 में। 3G आया 1990 में। 4G आया 2000 में और 5G आया 2010 में। ठीक है, तो 2010 में अभी हमारा 4G भी चल रहा है और 5G भी प्रोसेस में आ गया है, और इस समय 2021 चल रहा है, उसमें 5G अभी इंडिया में नहीं आया है लेकिन उस पर काम चल रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है इन सारे जो 1G 2G है। 1G में AMPS, NMT या TACS टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ये क्या होता है, AMPS होता है एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम, NMT होता है नॉर्डेस्ट मोबाइल टेलीफोन, TACS होता है टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, 2G में GSM यूज होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। 3G में WCDMA या UMTS टेक्नोलॉजी का यूज होता था। WCDMA इज वर्ल्ड वाइड, WCDMA कहता है वाइड बैंड CDMA, एंड UMTS इज यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, 4G में LTE मीन्स लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन या WiMAX यूज होता है। WiMAX क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, 5G में MIMO या मिलीमीटर वेव्स, MIMO मीन्स मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम या मिलीमीटर वेव्स यूज होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में 1G हमारा 30 किलोहर्ट्ज पे काम करता है, 2G 1.8 गीगाहर्ट्ज, 3G 1.62 गीगाहर्ट्ज, 4G ऑपरेट होता है 2 to 8 गीगाहर्ट्ज पर, एंड 5G 3 to 30 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, बैंडविड्थ 1G की 2 kbps थी, 2G की 14 से 64 kbps और 3G की 2 mbps, 4G की 2000 mbps से लेकर 1 gbps। ठीक है, एंड 5G इज मोर देन 1 gbps। एक्सेस सिस्टम कौन सा यूज हुआ है, 1G में FDMA फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीपल एक्सेस यूज हुआ, 2G में TDMA टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस और CDMA कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस, 3G में CDMA दैट इज कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस, 4G में भी CDMA, 5G में आ गया OFDM मीन्स ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग या BDMA, BDMA होता है बीम डिविजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, कोर नेटवर्क कौन सा यूज है 1G में, 1G में PSTN यूज होता था, पब्लिक स्विच टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, 2G में PSTN यूज होता था, 3G में पैकेट नेटवर्क आ गया, 4G में इंटरनेट और 5G में भी इंटरनेट यूज होता है, इंटरनेट का जो नेटवर्क होता है। डिजिटल है या एनालॉग, कौन सा डिजिटल है कौन सा एनालॉग है, तो 1G इज एनालॉग सिस्टम, 2G इज डिजिटल। मतलब 1G एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम था जहां पर एनालॉग सिस्टम यूज किया गया, बाकी सब डिजिटल सिस्टम यूज किया गया है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक और इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है जिन पर मैंने कंपैरिजन बताया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम कंपैरिजन देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।